हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग हब। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम क्लास 7। एंड द क्वेश्चन इज गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7, 5/-3, 4/3। तो हमें क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस को, इन रैशनल नंबर्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि इनमें हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें और फिर हम उसी नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश करें या करें तो वापस कैंसिल करने पर वो क्या आए निकल कर, 2-2/7, 5/-3 एंड 4/3। और हमें क्या करना है, इन सब के 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो इन्हीं के इक्विवेलेंट हो। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपको -2/7। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो ये तो ऑलरेडी है एक नंबर, अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14। तो मैं अगर इसी 2 से इसको कैंसिल करूँ तो ये आएगा ना -2/7। ऐसे ही फिर क्या करना है मुझे, नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो -2/7 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। तो मैं अगर वापस अगर 3 से इसको डिवाइड करती हूँ तो वापस क्या आएगा, -2/7, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वन मोर नंबर 2/7 में 4 मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। नेक्स्ट मोर नंबर -2/7 में 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। लास्ट में आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन्हीं नंबर से अगर मैं यहाँ से कैंसिल भी कर देती हूँ तो वापस क्या आएगा, यही सब आएगा ना, -2/7। तो लास्ट में स्टेटमेंट देंगे, देयरफॉर द 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7 आर। तो क्या क्या है आपके पास, -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट, 5/-3। तो यहाँ पर भी यही करना है, तो क्या करेंगे आप, 5/3 में ये तो ऑलरेडी 1 से है ही, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 1 ज़ा 3। अब क्या करेंगे, अब हम 2 से कर लेते हैं क्योंकि मैं नेक्स्ट 4 निकालना है ना कि जो इन्हीं के इक्विवेलेंट हो। तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर भी रही हूँ और मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, तो वापस क्या बचेगा, 5/3 ही बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही फिर नेक्स्ट निकाल लेते हैं, 5/-3, 3 ऊपर भी 3, 3 से 3 कैंसिल हो भी जाएगा तो भी क्या आएगा वापस, 5/-3, तो ये कितना हो जाएगा, 15, 3 3 ज़ा 9। फिर अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 कैंसिल हो भी जाएगा तो वापस क्या आएगा, 5/-3। जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो नंबर आ रहा है आपका रैशनल नंबर, तो जिससे मल्टीप्लाई किया है आप उसी से डिवाइड करके भी देख लो, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, वही आ रहा है 5/-3। नेक्स्ट नंबर 5/-3, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15। ओके, अगेन वही स्टेटमेंट देंगे आप, देयर फॉर द 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/-3 आर। तो कौन कौन है, दिस 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 एंड दिस। ऐसे आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट है आपका 4/3, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 4/3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। देन अगेन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अगेन 4/3 में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो नंबर मैं मल्टीप्लाई करी हूँ ऊपर नीचे, अगर मैं उसको कैंसिल भी कर हो जाएंगे वो ईजिली, तो वापस क्या बचेगा, वही नंबर आएगा ना, तो ये जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। अगेन 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15। लास्ट में स्टेटमेंट देंगे, देयरफॉर द 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू
फोर अपॉन थ्री आर, तो कौन कौन है, एट अपॉन सिक्स, ट्वेल्व अपॉन नाइन, सिक्सटीन अपॉन ट्वेल्व, ट्वेंटी अपॉन फिफ्टीन। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है।